हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लर्न विद यतिमन। कार्यालय कलेक्टर शिक्षा धमतरी से वैकेंसी आई है प्राथमिक माध्यमिक हायर सेकेंडरी स्कूल शिक्षक भर्ती की, जहां पर पीआरटी टीजीटी पीजीटी शिक्षक सहायक शिक्षक और व्याख्याता के पदों की यहां पर वैकेंसी निकली है। मात्र 3 दिन ही जो है शेष बचे हैं आवेदन करने के, तो यदि आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो जल्द कर दें। यहाँ पर 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट एप्लीकेशन कर सकते हैं। यदि बीएड किया है, सीटेट क्वालिफाई हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो मिलेंगे। मेरिट के आधार पर यहां पर सिलेक्शन होने वाला है। बिना बीएड सीटेट के भी आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो वैकेंसी जो आई है वो धमतरी डिस्ट्रिक्ट से आई है और यहां पर आप देख सकते हैं 10/8/2023 से 18/8/2023 तक जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं। यहाँ पर जो है 18/8 यानी आपके पास 3 दिन ही जो है वो शेष हैं। तो चलिए फटाफट से नोटिफिकेशन को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिखा देती हूँ, यहाँ पर जो है क्या मांगा गया है। तो सहायक शिक्षक हेतु 12th परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, मिनिमम जो है वो आपके पास 12वीं होनी चाहिए पीआरटी के लिए। शिक्षक हेतु यानी टीजीटी के लिए संबंधित विषय में जो है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। व्याख्याता यानी पीजीटी के लिए संबंधित विषय में जो है वो आपके पास एमए एमकॉम एमएससी जो है वो होनी चाहिए। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। बट अगर आपने जो है यहाँ पर बीएड किया है, डीएड किया है, तो आपको इसके जो है वो अलग जो है वो अंक मिलते हैं, 10% अंक जो है वो अतिरिक्त देय होगा। तो ये पूरे जो बॉक्स में जो है वो अच्छे तरीके से इन्होंने चयन प्रक्रिया जो है वो कैसे रहेगी सारी चीजें जो है वो दी है। जितनी आपकी क्वालिफिकेशन है अधिकतम वो आप लगाइएगा एप्लीकेशन फॉर्म में, तभी जो है वो चांसेस ज्यादा रहते हैं यहाँ पर सिलेक्शन होने के। कोई एग्जाम आपका या कोई इंटरव्यू जो है वो नहीं होने वाला है। यहाँ पर कुल 100 मार्क्स में से जो है वो आप लोगों का यहाँ पर मेरिट जो है वो बनेगी। जैसे व्याख्याता यानी पीजीटी के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं अपने सब्जेक्ट में, तो यहाँ पर एमए के जो है एमए के जितने मार्क्स हैं उसका 50%, स्नातक का 15%, अगर एक्सपीरियंस है अनुभव प्रमाण पत्र है तो 5%, बीएड अगर किया है, डीए किया है तो 10%, अगर नहीं किया है तो भी एप्लीकेशन जो है वो कर सकते हैं। संबंधित ग्राम पंचायत का मूल निवासी अगर है तो 10%, धमतरी जिले से ये वैकेंसी आई है तो धमतरी जिले के अगर मूल निवासी है तो 5%, संबंधित विकास खंड के अगर मूल निवासी हैं तो 5%। अब यहाँ पर जो है वो अदर जो स्टेट के स्टूडेंट हैं वो भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं, बट सिलेक्शन के चांस कम रहते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि जिस स्टूडेंट ने यहाँ पर बीए एमए किया है, बीएड किया है और वह धमतरी जिले का मूल निवासी भी है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो है उसके मार्क्स जो है वो अधिक हो जाते हैं अदर स्टेट के स्टूडेंट से, तो इनका सिलेक्शन का चांस जो है वो ज्यादा रहता है। बाकी आप लोग एप्लीकेशन यहाँ डाल सकते हैं, कोई भी रोक नहीं है। टीजीटी के लिए जो है यानी माध्यमिक स्कूल में जाने के लिए यहाँ पर स्कूल काफी है, उसकी लिस्ट भी मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगी। यहाँ पर स्नातक के जो है जितने मार्क्स हैं उसका 50%, हायर सेकेंडरी का 15% और बीएड अगर डीए अगर आपने किया है तो 10%, एक्सपीरियंस है तो 5% और ग्राम पंचायत का मूल निवासी 10%, विकासखंड का मूल निवासी 5%, धमतरी जिले का मूल निवासी 5%। पीआरटी के लिए सहायक शिक्षक के लिए हायर सेकेंडरी का जो है वो यहाँ 65% जुड़ेगा, बीएड डीए का जो है वो 10%, अनुभव प्रमाण पत्र का 5%, संबंधित ग्राम पंचायत के मूल निवासी है तो 10% और धमतरी जिले का मूल निवासी है तो 5%। यानी कुल जो है वो 100 अंक में से जो है वो आप लोगों की मेरिट बनेगी, ठीक है। उसके बाद जो है आप लोगों को कॉल आएगा सिलेक्शन के लिए अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है। यहाँ पर जो है वो एज जो है वो क्या रखी गई, तो एज जो है मिनिमम 18 और मैक्सिमम 35 है, और अन्य विशेष वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में भी जो है वो छूट मिल रही है। सैलरी जो है अगर हम बात करें, सैलरी जो है वो कम है, इतनी ज्यादा नहीं है। यहाँ पर अतिथि शिक्षक की वैकेंसी है ये, तो 8,000 रुपये मिल रही है यहाँ पर प्राथमिक को, माध्यमिक को 10,000 और 12,000 जो हायर सेकेंडरी को यहाँ दी जा रही है, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको बता दी। वैकेंसी कहाँ से आई है, तो कार्यालय कलेक्टर शिक्षा धमतरी से आई है और ये कहाँ पर है, ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। तो अभी जो है वो आवेदन जमा करने के लिए जो आवश्यक निर्देश है, यानी कि 18/8/2023 तक जो है वो आप लोग सीधे व्यक्तिगत रूप से या डाक के माध्यम से जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो जमा करवा सकते हैं। ये जो है इसकी मेन वेबसाइट है dhamtari.government.in। तो नोटिफिकेशन के नीचे ही जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आप लोगों को मिलेगा, और कहाँ से डाउनलोड करना है ये भी मैं आप लोगों को अभी बताने वाली हूँ। तो ये जो मैंने आप लोगों को दिखाया था नोटिफिकेशन, यहाँ पर है ये धमतरी जो है इसकी जो मेन वेबसाइट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं करियर सेक्शन में
कि फाइल देखने के लिए यानी नोटिफिकेशन देखने के लिए जो है सबसे ऊपर, और उसके बाद आवेदन फॉर्म, इसी के नीचे जो है वो आवेदन फॉर्म दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आवेदन फॉर्म है जिसको आपको भर लेना है। जितनी मार्कशीट है वो आप लोगों को इसमें जो है वो लगा लेनी है, फोटो लगा लेना है, और या तो आप व्यक्तिगत रूप से अगर वहां रहते हैं, अगर दूर रहते हैं तो बाय पोस्ट जो है वो भेज दें। 3 दिन में जो है वो आप लोगों का स्पीड पोस्ट जो है वो पहुंच ही जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है रिक्त पद, तो यहाँ पर जो है वो आप लोगों को मैं लिस्ट दिखा देती हूँ स्कूल में जो है वो कितनी कितनी वैकेंसी है। जैसे कि सहायक शिक्षक यानी पीआरटी की जो है यहाँ पर जितने विकास खंड दिए हुए हैं, तो ये नाम जो है वो आप देख लें, छत्तीसगढ़ राज्य में जो धमतरी जिला है उससे भी वैकेंसी है, इसके अलावा और जो विकास खंड है उससे भी वैकेंसी है। तो सहायक शिक्षक के जो है यहाँ पर कुल जो है वो 44 पद हैं और सभी सब्जेक्ट हैं यहाँ पर। उसके बाद माध्यमिक शाला के शिक्षक बनने के लिए कितनी जो है यहाँ पर वैकेंसी है, तो कुल जो है वो 21 वैकेंसी है। व्याख्याता के लिए जो है पर जो लिस्ट है जितने भी यहाँ पर संस्था यानी स्कूल के जो है ये सब स्कूल के नाम दिए हैं। ठीक है, उसके बाद विकास खंड के नाम दिए हैं। तो यहाँ पर जो है सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पर व्याख्याता के लिए सभी सब्जेक्ट हैं, यानी ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो यहाँ छूट गया हो, बाकी सभी सब्जेक्ट आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो कुल 78 जो है वो वैकेंसी है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है मैंने आप लोगों को सारी चीजें डिटेल में समझा दी है। मेन वेबसाइट के लिए जो है वो आप लोगों को यहाँ पर आना होगा, dhamtari.government.in, तो आराम से जो है वो आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो है जितनी भी जो है वैकेंसी आएंगी, किसी भी स्टेट की वैकेंसी आएगी, सभी जो है मेरे चैनल पर आप लोगों को जरूर मिलेगी। जैसे जैसे नोटिफिकेशन आता जाएगा मैं आप लोगों तक पहुंचाती जाऊंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।